जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। भीड़ के हाथों पिटते युवक की ये तस्वीरें थाना नारखी के नगला बीच की हैं, जहां बीजेपी नेता की हत्या होने के बाद शव घर पहुंचा था। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और अपनी मांगों को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रख कर धरना देना शुरू कर दिया। इसी भारी भीड़ में एक युवक चोरी की नीयत से घुस गया। फिर क्या था, भीड़ ने रंगे हाथ युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। युवक को पिटता देखकर मौके पर मौजूद पुलिस ने उसको बचाया और हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। मौके पर सदर विधायक मनीष असीजा और सांसद चंद्रसेन जादौन बीजेपी नेताओं के आश्वासन के बाद परिजन सड़क से हटे, तब कहीं जाकर जाम खुल सका। मुझे नहीं पता, हम तो है ही नहीं थे, अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा, क्या मेरा भाई बहुत अच्छा सब एक चीज जानते, मैं तो ये जानती हूँ मेरा भाई सबके लिए करता था, कोई भी ऐसा कह दे इसमें तो इसे ये इंसान गलत। आज अपने कि हम लोगों के यहाँ पे बेस्ट समाज है, सभ्य समाज है, हम लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, मारपीट होती है, हम लोगों को कोई हथियार की सुरक्षा नहीं है और हम लोग यहाँ पे आए दिन मरते हैं। एक दिन नहीं, 20 साल पहले प्रधान जी की बात हत्या हुई, उसके बाद ये उठ रहे तो इन लोगों को मार, इनको मार दिया, आखिर चाहते क्या है ये? नहीं, चुनावी रंजिश नहीं है, एक समाज सेवी है। अगर समाज सेवा करना गलत है तो सब समाज सेवा करना छोड़ देंगे। पूरे गांव में किसी भी समाज के बच्चे से बूढ़े से किसी से पूछ लो, ये व्यक्ति अगर किसी का बुरा हो, अपनी बनिया खून पसीने की कमाई से, वो दो नंबर की कमाई से समाज सेवा नहीं कर रहा था, वो अपनी एक नंबर की कमाई से सींच कर उसको जमा करके उससे समाज सेवा कर रहा था। ये कोई दो नंबर की ये सुरक्षा नहीं है, हम लोगों को कोई लाइसेंस नहीं है यहाँ पे, हम लोग बिल्कुल बेबस है यहाँ पे, हम सुरक्षा के नाम पे हम लोगों को एक लाइसेंस नहीं है, जो पैसे देता हूँ उन लोग के लाइसेंस हो रहे हैं, हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, प्रशासन भी उनके साथ हो जाता है जहाँ तक है, वो लोग इतने दबंग हैं कि वो उन्होंने सभी लोगों को दबा के रखा है यहाँ पे, व्यापारियों को बोलने नहीं देते, अपनी बस धाक जमा के रखते हैं कि हम हैं हमारे संग चलो। तीन लोगों को अरेस्ट किया गया हथीगढ़ी के, नामजद बताते हैं, नामजद वही है सर, वही है, हाँ बताते हैं कि प्रधान जयशंकर इस समय विधायक जी, आज जो ये पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा है, क्या मांग कर रहा है और किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, पीड़ित तो अपने घर के दरवाजे पर हैं, वो अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है और ये बहुत दुखद घटना है। दयाशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता थे, विवादास्पद नहीं थे, कोई उनका किसी से झगड़ा नहीं था, निर्मम हत्या हुई है। परिवार के लोगों ने जिनके नाम FIR कराई थी, माननीय योगी जी के कठोर निर्देश और उनकी डायरेक्ट उत्तर प्रदेश शासन की उच्चतर स्तर पर मॉनिटरिंग चल रही है, तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद भी इन तीन के पीछे भी और भी कोई इनके ऊपर इनको बैकअप करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं और पूरे परिवार के प्रति उन्होंने हमारे माध्यम से, हम सब के माध्यम से ये संदेश कहलवाया है कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, उसके न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिसकी पहली कड़ी में मुश्किल से 20 घंटे के अंदर अंदर तीनों नामदर्ज अपराधियों को, जो परिवार के लोगों ने लिखाए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग मांगे क्या क्या है? नहीं, ये तो दुखी हैं इस वक्त परिवार के लोग और उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया है। पूरी पीड़ित परिवार के साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार, हम सब लोग परिवार के साथ हैं, समाज के लोग परिवार के साथ हैं। एक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना जो एक अनहोनी कही जाएगी, अब उसमें तो सिवाय दो बातें हैं, पूरे परिवार की सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जो दोनों उच्चतम स्तर पर करी जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं अपने पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि कोई पीड़ित पक्ष इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि पीड़ित पक्ष जैसे उन्होंने जो संकेत दिए उस पर शत प्रतिशत कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। विधायक जी, सुनने में आया था कि आपने मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है, तो किस तरह की आपने उनसे जानकारी दी है और क्या उनके माध्यम से संदेश दिया गया? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया जो 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपराधियों को
अपराधियों का काल बनकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उनको खुद सूचना जैसी उनके कार्यालय में पहुंची है तो संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित की है और ये विश्वास को प्रेषित किया है कि पीड़ितों के साथ न्याय उनकी सम्मान सुरक्षा की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू।